अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 है रिलेटेड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। 7.1 है, सबसे पहले क्वेश्चन है लोकेट द एंगल्स। एंगल्स एक्चुअली क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन क्लीनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट। हमारे पास यहाँ पे दो रेज हैं जिनका एंड पॉइंट कॉमन होगा, ये हमारे पास यहाँ पे एंगल क्रिएट करेगा। यहाँ पे हमारे पास इसकी दो साइड्स होंगी, जो हमारे पास इसकी ओरिजिनल साइड है वो कहलाएगी इनिशियल साइड, और जो यहाँ से मूव करेगी वो कहलाएगी, मीन टू से फाइनल पोजीशन पे जो जाएगी वो कहलाएगी टर्मिनल साइड। इसमें हमारे पास एंगल की दो डायरेक्शन होंगी, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर तो यहाँ से हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, तो हमारे पास एंगल आएगा पॉजिटिव, और अगर हमारे पास टर्मिनल साइड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ये हमारे पास बनेगा एंगल नेगेटिव। तो इसी तरह यहाँ से हम बताएंगे कि हमारे पास जो रेज हैं, रेज कहलाएंगी आर्म्स, और जो कॉमन एंड पॉइंट है वो कहलाएगा वर्टेक्स। तो इसी के साथ हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लोकेट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रे हम ड्रा करेंगे। इसके लिए हमने एक लाइन यूज़ करनी है जो रे कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है उसका, 30 डिग्री का एंगल हम बनाने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर से हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप कंपास से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जिस पॉइंट पे हम रख के इसको एंगल इसका ड्रॉ करेंगे वो हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट पे रख के यहाँ से कर रही हूँ तो जो अंदर वाली साइड होगी वो हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से फिर मैं ज़ीरो से 30 तक जाऊँगी तो मेरे पास 30 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं पी का नेम दूँगी। तो यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री का बनेगा। इसको आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करने हैं। ये हमारे पास होगा एक्स एक्सिस, ये होगा एक्स प्राइम एक्सिस। यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और इस वाले साइड पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास होंगी। ये हमारे पास जो ओरिजिनल इसकी पोजीशन है वो कहलाएगी ओरिजिन ओ। यहाँ से ये हमारे पास होगा वाई एक्सिस और ये होगा वाई प्राइम एक्सिस। y प्राइम एक्सिस में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होंगी। यहाँ से अगर हम एंगल बनाएंगे तो हम इस ओरिजिन O पे प्रोटेक्टर को का सेंटर रखेंगे। यहाँ से अब हम ड्रा करेंगे 30 का एंगल। ये हमारे पास पॉइंट P आ रहा है, तो अगर मैं इसके साथ लाइन ड्रा करती हूँ तो ये हमारे पास बनेगा एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारे पास होगा पॉजिटिव। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव एंगल हम बनाना चाहेंगे तो उसकी डायरेक्शन नीचे को होगी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ माइनस का साइन आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके साथ ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द एंगल इन डेसिमल फॉर्म। हमने यहाँ पे डिग्री, मिनट और सेकेंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली हमारे पास सेकेंड्स, मिनट और डिग्री किसके इक्वल हैं, ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। हमारे पास 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे हम साइन शो करेंगे डबल प्राइम का। ये इक्वल होगा
सॉरी ये 1 मिनट के इक्वल होगा, 60 सेकेंड्स इक्वल होंगे 1 मिनट, और 60 मिनट के लिए हम सिंगल प्राइम का साइन शो करेंगे, ये क्रिएट करेगा 1 डिग्री को, और 1 डिग्री के लिए हम यहाँ पे ऊपर ये साइन शो करेंगे। हमारे पास अगर 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री क्रिएट करेगा 1 राइट एंगल, और अगर हमारे पास 360 डिग्री हो तो ये क्रिएट करेंगे 4 राइट एंगल्स। हमारे पास 1 राइट एंगल इक्वल होगा 90 डिग्री के। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है हॉरिजेंटली और वाई एक्सिस है वर्टिकली। तो यहाँ से हमारे पास ये एक राइट एंगल होगा, ये 90 डिग्री का होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करती हूँ 360 एंगल, कंप्लीट एक एंगल ड्रॉ करूँगी, तो यहाँ पे हमारे पास 4 राइट एंगल्स आएंगे, और 4 राइट एंगल्स इक्वल होंगे 360 डिग्री के। तो इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूँगी, क्वेश्चन नंबर 2 करूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 60 डिग्री, 30 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। इनको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इनको 60 के साथ डिवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट है 2, हमारे पास है 60 डिग्री, 30 मिनट 30 सेकेंड्स। सबसे पहले इनको मैं प्लस की फॉर्म में सेपरेट करूंगी, ये बनेगा 60 डिग्री प्लस 30 मिनट, और ये बनेगा 30 सेकेंड्स। अब यहाँ पे मैं मिनट को 60 के साथ डिवाइड करूँगी, और सेकेंड्स को 60 मल्टीप्लाई 60 मीन 3600 के साथ डिवाइड करूँगी। 60 डिग्री का साइन ऐसे ही रहेगा, एज इट इज़ इसको लिखेंगे। यहाँ पे 30 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 60 के साथ इसको डिवाइड किया जाएगा, प्लस 30 सेकेंड्स को डिग्री में कन्वर्ट अगर हम करना चाहेंगे तो इसको हम 3600 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो गई हैं तीनों वैल्यूज़, तो ये बनेगा 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री प्लस 0.0083 डिग्री। तो इनको अगर हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा 60.5083 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। इसके अब ऑपोजिट प्रोसेस हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें हमने डिग्री, मिनट और सेकंड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास 125.45 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है 125.45 डिग्री। अब यहाँ पे इसको हम मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसके ऑपोजिट प्रोसेस यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे हम मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 125 जो डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू हमारे पास होगी वो डिग्री में ही रहेगी, ये बनेगा 125 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री। अब यहाँ पे आएगा 125 डिग्री प्लस, इसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, ये बनेगा 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 60। ज़ीरो का साइन, ज़ीरो डिजिट ज़ीरो के साथ कट होगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 5 के साथ डिवाइड करती हूँ, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे ये आएगा 9 9 5 ज़ा 45। ये 2 को अगर मैं कट करती हूँ तो ये 6 के साथ डिवाइड होने पे 3 बनाएगा, तो ये बनेगा 125 डिग्री
प्लस 27 मिनट। तो इसका प्लस का साइन ख़त्म करेंगे, तो प्लस का साइन ख़त्म करने पे इसको लिखा जाएगा 125 डिग्री 27 मिनट। इनके सेंटर में कोई भी साइन अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का एक और पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 315.18 डिग्री 315.18 डिग्री क्वेश्चन नंबर 3 इसका ये लास्ट पार्ट है। यहाँ पे सेम जैसे हमने क्वेश्चन के पार्ट 2 में किया था, इसको जो डेसिमल से पहले जो हमारे पास वैल्यूज होंगी उनको हम डिग्री में ही रहने देंगे। ये बनेगा 0.18 डिग्री। इनको प्लस के साइन के साथ हमने सेपरेट किया है, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो दोबारा हमारे पास 315.18 ही आएगा। तो ये बनेगा 315 डिग्री प्लस इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे मिनट में इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बनेगा 18/100 मल्टीप्लाई 60। ये हमारे पास मिनट में कन्वर्ट हुआ है 315 डिग्री प्लस। यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये 2 के साथ डिवाइड होगा, ये यहाँ पे आएगा हमारे पास 5। ये अगर आप डिवाइड नहीं करना चाह रहे तो इसको 10 रहने दें, 6 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 108 को जब 10 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 10.8। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 10.8 मिनट। तो ये आएगा 315 डिग्री। अब जो डेसिमल के बाद पहले वाली जो वैल्यू होगी ये मिनट में कन्वर्ट होगी, और जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ये बनेगा 10 मिनट प्लस 0.8। अभी ये मिनट में ही है क्योंकि मैंने इसको अभी 60 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। 315 डिग्री प्लस 10 मिनट प्लस 0.8 मिनट। अगर मैं यहाँ पे 0.8 को सॉल्व करती हूँ, इसका डेसिमल ख़त्म करूँगी, डेसिमल ख़त्म करने पे ये हमारे पास बनता है 8/10। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 60 के साथ तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट होगा। तो ये बनेगा 315 डिग्री प्लस 10 मिनट। ये ज़ीरो का साइन ज़ीरो के साथ कट होगा तो 6 8s are 48। तो ये मेरे पास 48 सेकंड्स बनेंगे। तो इसका हमने प्लस का साइन ख़त्म करना है तो ये बनेगा 315 डिग्री 10 मिनट 48 सेकंड। तो यहाँ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट डिग्री और रेडियन के टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।